सूर्या ने फाइनली अपने कंगवा से दूसरा पोस्टर रिलीज कर दिए हैं और ये पोस्टर सच में दिमाग हिलाने वाला है। हमने एक्सपेक्ट नहीं किए थे एक ही पोस्टर में सूर्या के दोनों कैरेक्टर का लुक होगा। वैसे इस पोस्टर को रिलीज करने के लिए कैप्शन में ग्रीन स्टूडियो पास्ट प्रेजेंट और फ्यूचर तीनों का मेंशन किया है, यानी हम इस कंगवा में तीनों टाइमलाइन की स्टोरी दिखाएंगे। डायरेक्टर शिवा, जिसमें से पास्ट और फ्यूचर का सूर्या रिवील हो चुका है और अगला पोस्टर में प्रेजेंट का भी लुक रिवील हो जाएगा सूर्या का। बाकी भाई मुझे लगता है सूर्या की कंगवा मूवी कम से कम 3 घंटा लंबी होगी रन टाइम के मामले में और इस लेवल की फिल्म आज तक इंडियन सिनेमा में कभी बना नहीं है। खैर आपको कैसी लगी है सूर्या के कंगवा का सेकंड लुक हमें जरूर बताना कमेंट में। देखिए भाई, चियान विक्रम सर के फैंस के लिए एक बुरी अपडेट आ गई है। एक्चुअली में उनकी थंगलान फिल्म कल ऑफिशियली पोस्टपोन हो चुका है। वैसे पोस्टपोन होने का रूमर काफी दिन से था बट कल न्यू रिलीज डेट अनाउंस करके मेकर्स इस बात को ऑफिशियली कर दिए हैं। अब यह चियान विक्रम सर की थंगलान सीधा अप्रैल महीना में रिलीज होगा, यानी इस बार 25 जनवरी को कोई क्लैश नहीं होगी ऋतिक रोशन की फाइटर और थंगलान के बीच। फाइटर एकदम सोलो रिलीज होगा बॉक्स ऑफिस पर। बाकी कंगवा और थंगलान दोनों को एक ही प्रोडक्शन हाउस बना रही है जिसका नाम है ग्रीन स्टूडियो। वैसे यह चियान विक्रम सर की थंगलान VFX वाला काम के लिए पोस्टपोन हुआ है और अब देखना यह होगा क्या कंगवा थंगलान से पहले आती है या बाद में। एगो सूर्या भी कंगवा का पूरा शूटिंग खत्म कर दिए हैं, इसका भी पोस्ट प्रोडक्शन और काम में बिजी हैं डायरेक्टर शिवा। और ग्रीन स्टूडियो की दोनों पैन इंडिया फिल्में बड़े स्केल की हैं और दोनों ही बॉक्स ऑफिस पर बड़ा रिकॉर्ड बना सकती हैं। देखिए काफी समय बाद सोनी की शक्तिमान फिल्म से भी अपडेट आ गई है। एक्चुअली में फिल्म का हीरो और डायरेक्टर फाइनल हो चुका है और फिल्म का स्क्रिप्ट भी बन गया है बट उस स्क्रिप्ट का डिमांड ही बहुत बड़ा है। मुकेश खन्ना सीधा 550 करोड़ बजट मांग रहे हैं शक्तिमान को बनाने के लिए और यही चीज सोनी वाले करना नहीं चाहते हैं। मेन बजट के कारण ही हमारा शक्तिमान इतने सालों से पोस्टपोन्ड होते जा रहा है। वैसे फिल्म में शक्तिमान है रणवीर सिंह और डायरेक्टर है मलयालम से वसील जोसेफ, जो टॉबिनो थॉमस की मिन्नल मुरली जैसी सुपर हीरो फिल्म बनाए थे। शायद भाई मेरे हिसाब से सोनी रणवीर सिंह के कारण फिल्म इतना बजट लगाने को तैयार नहीं है। वो चाहते होंगे कोई ऐसा हीरो शक्तिमान को बनाए जिसके स्टारडम के कारण पहले दिन आराम से 100-200 करोड़ का ओपनिंग हो जाए बॉक्स ऑफिस पर। खैर ऐसा हीरो के साथ फिल्म बनाने के लिए सोनी वालों को और बजट बढ़ाना पड़ेगा शक्तिमान का, तब उसके बाद ये मुकेश खन्ना की शक्तिमान 550 करोड़ नहीं सीधा 700 करोड़ बजट मांगेगी। खैर अभी तो इस शक्तिमान को सोनी वाले बंद कर दिए हैं जो सच में बड़ी खराब न्यूज है। शायद फ्यूचर में मुकेश खन्ना, रणवीर सिंह और वसील जोसेफ किसी और प्रोडक्शन कंपनी के साथ शक्तिमान बनाने का प्रयास करें तो देखा जाए शक्तिमान का फ्यूचर होता क्या है। वैसे फिल्म का स्क्रिप्ट कब का रेडी है। रणबीर कपूर की रामायण से भी आज काफी सारी बड़ी अपडेट आ गई है। तो जैसे कि आप जानते हैं इस रामायण में अब तक रणबीर कपूर, साई पल्लवी और केजब के यश भाई का कास्टिंग हुआ है। तो भाई इनके बाद दो और न्यू एक्टर इस रामायण में आ गए हैं। एक सबसे पहले लारा दत्ता जो रामायण में कई माता का रोल प्ले करेंगे और अब इनके बाद अभी नितेश तिवारी बॉबी देओल से भी अप्रोच कर रहे हैं फिल्म में रावण के भाई का कैरेक्टर यानी कुंभकर्ण का रोल प्ले करने के लिए। मतलब फिर से इनका छोटा स्क्रीन टाइम होगा रणबीर कपूर की रामायण में भी। मैं चाहता भाई अगर बॉबी देओल रामायण में रावण के बेटे इंद्रजीत यानी मेघनाथ का कैरेक्टर प्ले करते तब लक्ष्मण जी वर्सेस मेघनाथ का सीन और तबाही लेवल की होती। बाकी देखा जाए बॉबी देओल कुंभकर्ण के लिए हाँ बोलते हैं या नहीं इस रामायण में। अब चलिए बॉक्स ऑफिस पर आ जाते हैं जहां तो हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे तेजा सज्जा की हनुमान से। देखिए हनुमान ने जहां संडे के दिन 16 करोड़ कलेक्शन किया था तो वहीं हनुमान का मंडे के दिन 15 करोड़ 20 लाख रुपए कलेक्शन हुआ पूरे इंडिया में बिना ज्यादा लॉस के, जिसमें से हनुमान ने तेलुगु में 11 करोड़ 17 लाख रुपए कमाई किया है। तो वहीं हनुमान का हिंदी बेल्ट में 3 करोड़ 75 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है बॉक्स ऑफिस पर और इसी के साथ हनुमान का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 4 दिन में 55 करोड़ 85 लाख रुपए हो गया है और वर्सेज मिलाकर हनुमान ने 94 करोड़ 75 लाख रुपए कलेक्शन किया है पूरी दुनिया के मार्केट में और प्रोडक्शन कंपनी के अनुसार हनुमान ने 100 करोड़ कलेक्शन कंप्लीट कर लिया है बॉक्स ऑफिस पर। वैसे हिंदी में टोटल प्रशांत वर्मा की हनुमान का अब तक 4 दिन में 16 करोड़ कलेक्शन हो गया है बॉक्स ऑफिस पर। अब चलिए हनुमान के बाद महेश बाबू की गंटूर कारम पे आ जाते हैं। देखिए महेश बाबू की गंटूर कारम ने जहां संडे के दिन 14 करोड़ 5 लाख रुपए कलेक्शन किया था तो वहीं गंटूर कारम का मंडे के दिन 14 करोड़ 10 लाख रुपए कलेक्शन किया है पूरे इंडिया में। खैर इसके साथ महेश बाबू की गंटूर कारम का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 4 दिन में 83 करोड़ हो गया है और वर्सेज मिलाकर गंटूर कारम ने 124 करोड़ 65 लाख रुपए कमाई किया है पूरी दुनिया के मार्केट में। वैसे महेश बाबू की गंटूर कारम का बजट 150 करोड़ ही है, यानी आज ये बजट भी रिकवर हो जाएगा बॉक्स ऑफिस से गंटूर कारम का, जो सच में बड़ी अच्छी बात है। अब चलिए गंटूर कारम के बाद विजय सेतुपति की मेरी क्रिसमस पे आ जाते हैं। देखिए मेरी क्रिसमस का जहां संडे के दिन 3 करोड़ 83 लाख रुपए कलेक्शन हुआ था तो वहीं मंडे के दिन मेरी क्रिसमस ने 1 करोड़ 65 लाख रुपए कलेक्शन कर लिया है पूरे इंडिया में 56% के डाउनफॉल के साथ और इसके साथ विजय सेतुपति की मेरी क्रिसमस का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 4 दिन में 11 करोड़ 38 लाख रुपए हो गया है और वर्सेज मिलाकर मेरी क्रिसमस ने 16 करोड़ कमाई कर लिया है पूरी दुनिया के मार्केट में।
अब चलिए आखिर में धनुष सर के कैप्टन मिलर के बॉक्स ऑफिस पे आ जाते हैं। देखिए कैप्टन मिलर का जहां संडे के दिन 7 करोड़ 25 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है, तो ही कैप्टन मिलर का मंडे के दिन 6 करोड़ 62 लाख रुपए कलेक्शन हुआ है पूरे इंडिया में, जिसमें से हिंदी बेल्ट में 25 लाख रुपए कमाई की है कैप्टन मिलर और बाकी सब साउथ से कलेक्शन हुआ है फिल्म का। खैर इसी के साथ धनुष सर के कैप्टन मिलर का भारत में टोटल कलेक्शन अब तक 4 दिन में 30 करोड़ 57 लाख रुपया हो गया है और वर्सेस मिलाकर कैप्टन मिलर ने 48 करोड़ 50 लाख रुपए कमाई की है पूरी दुनिया के मार्केट में। बाकी भाई इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक आप ऐसी और अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब।